तो हेलो गाइस, और भाई लोग क्या हाल चाल। तो तुम्हारा भाई आ गया एक और न्यू वीडियो के साथ। तो यार आज की वीडियो में बेसिकली मैं तुम लोगों को कुछ ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स देने वाला हूँ, कुछ ऐसे पॉइंट्स बताने वाला हूँ जिसकी वजह से तुम लोग आसानी से कॉन्करर कर लोगे पबजी मोबाइल लाइट में, जो कि भाई वन डे या फिर 3 डेज में तो पक्का तुम लोगों को कॉन्करर का टायर और फ्रेम मिल जाएगा। तो गाइस बहुत ही ईजी टिप्स एंड ट्रिक्स होने वाली है। तो यार चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर देना, क्योंकि यार अपने चैनल पे ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस आते रहती है। तो गाइज अगर मेरे साथ खेलना है तो डिस्क्रिप्शन में मेरी आईडी मौजूद है, या फिर क्लैन ज्वाइन करना है जाके तुम लोग मुझे फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड कर सकते हो। तो चलो यार आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइज सबसे पहला पॉइंट जो आता है गाइज वो है कि भाई कॉन्करर किस में पुश करे, सोलो, डुओ या स्क्वाड। तो गाइज मैं तुम लोगों को सजेस्ट करूँगा आप लोग डुओ में पुश करो। सोलो में इसलिए नहीं क्योंकि गाइज आप लोग को सेकंड चांस नहीं मिलता है, सीधा नॉक नहीं होते गाइज, सीधा फिनिश हो जाते हैं उसके अंदर और बंदे कैंप करके तुम लोगों को मार देंगे। गाइज स्क्वाड में इसलिए नहीं क्योंकि यार देखो डुओ में तुम लोगों को सिर्फ एक पार्टनर की ज़रूरत पड़ेगी और तुम लोग 1v2 कर सकते हो क्लच, लेकिन यार स्क्वाड में आप लोग को 3 बंदे की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन गाइस वहाँ पे थोड़ा मुश्किल इसमें आएगी कि गाइस कभी तुम लोग को 1v4 बढ़ जाएगा, 1v4 थोड़ा मुश्किल हो जाता है 1v2 मुकाबले में। तो गाइस इसीलिए सबसे पहले पुश करना है तो गाइस डुओ पुश करना। तो गाइस पॉइंट नंबर 2 की बात करें तो गाइस मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा भाई डुओ में अगर आप लोग पुश कर रहे हो तो गाइस मैं आप लोगों को कुछ स्ट्रेटजी बता रहा हूँ स्क्वायर मतलब रैंक पुशिंग की। तो गाइस सबसे पहले तुम लोगों को क्राउन टायर तक गाइस रश गेम प्ले खेलना है। रश गेम प्ले ऐसा नहीं भाई मुँह पे घुस जाओ, मतलब टिप्स एंड ट्रिक्स थोड़ा यूज़ करो, थोड़ा सी मतलब पहले बेसिक लूट जमा करो फिर रश करने जाओ। और गाइस विदाउट हेलमेट और वेस्ट रश कभी मत करना गाइस, बहुत ही ज़्यादा दिक्कत में फंस जाओगे एमएसएस की वजह से। गाइस हमेशा हेलमेट वेस्ट ले लो फिर जाके रश करो, आराम से यार इजी किल कर पाओगे। क्योंकि यार देखो डुओ में लॉबी अच्छी आती है लेकिन यार अपने पार्टनर और अपने आप पर भरोसा रहना चाहिए तो इजी कॉन्करर हो जाता है। अपने अंदर ये मत आने देना कि गाइस मैं कॉन्करर नहीं कर पाऊँगा, बहुत ही ईजी कॉन्करर हो जाता है। तो गाइस तुम लोग इस टिप्स एंड ट्रिक्स को हमेशा याद रखना। तो गाइस पुशिंग कब से स्टार्ट करनी है तो गाइस मैं तुम लोग को सजेस्ट करूँ तो गाइस देखो 7:30 बजे सुबह में 7:30 बजे सर्वर रिफ्रेश होता है। तो गाइस रिफ्रेश जैसे ही होगा सबकी ट्रॉफी माइनस होगी, सबको लगेगा माइनस और गाइस सभी आ जाएंगे लो लीग पे। तो गाइस तुम लोगों को सुबह 7:30 बजे से पुशिंग स्टार्ट कर देना नॉन स्टॉप। गाइस तुम लोग मतलब खेलो, इतना खेलो कि भाई मतलब एस तक आ जाओ, शाम तक एस तक आ जाओ या फिर क्राउन 1-2 तक आ जाओ, इतना मतलब रैंक पुशिंग अपना कर लो। तो गाइस तुम लोग का ऐसा क्या होगा कि मतलब एक दिन में कॉन्करर पुश कर लोगे भाई एक दिन में। तो गाइस तुम लोग क्या करो शाम तक कॉन्करर क्राउन 1 या 2 तक आ जाओ गाइस या एस तक, और फिर भाई शाम में 1-2 घंटे देकर कॉन्करर का फ्रेम सुबह 5:30 बजे सर्वर रिफ्रेश होगा और तुम लोग टॉप 500 के अंदर आ जाओगे और तुम लोग को कॉन्करर का फ्रेम मिल जाएगा गाइस 5 मैचेस खेल के, मतलब फ्रेम और वो ले लेना गाइस आप लोगों का टाइटल। तो यार ये थी बहुत ही ईजी ट्रिक जो कि तुम लोग यार एक दिन में कॉन्करर बहुत ही आसानी से कर सकते हो। तो गाइस अब बात कर लेते हैं टिप नंबर 4 की। तो गाइस टिप नंबर 4 ये आती है कि हमेशा ओपन में मत रहना, जोन टू जोन प्ले करना। गाइस तुम लोगों को मालूम ही होगा अपडेट के बाद जोन बहुत ही मतलब आड़ा तिरछा बन रहा है, कहीं पे भी जोन बन जा रहा है। तो गाइस तुम लोगों को मैं एक ट्रिक बताता हूँ, तुम लोगों को जोन के साथ रोटेट करना है। गाइस तुम लोगों को एक गाड़ी अपने साथ हमेशा रखनी है क्योंकि गाइस देखो ओपन में जोन बनता है ना तो तुम लोग गाड़ी का कवर बनाकर आराम से खेल सकते हो। तो गाइस मैं तुम लोगों को सजेस्ट करूंगा कि हमेशा एक व्हीकल अपने साथ रखो तो वो तुम लोगों को बहुत ही मतलब हेल्प करेगी। और गाइस हमेशा कवर में रहकर खेलना। और गाइस तुम लोगों को एक बात बता दूं कि गाइस हमेशा जब भी जोन बने तो पहले एक कंपाउंड होल्ड करने की सोचना, कंपाउंड होल्ड करोगे तो गाइस तुम लोगों को बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होगा। गाइस अब बात कर लेते हैं टिप नंबर 5 की। तो गाइस आप लोगों को मालूम ही होगा ये गन कौन सी यूज़ करनी है। तो गाइस मैं आप लोगों को कुछ गन सजेस्ट करने वाला हूँ जो कि भाई यूज़ करोगे तो तुम लोगों का बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो गाइस सबसे पहले क्लोज रेंज के लिए मैं रिकमेंड करूँगा UMP9 AKM या फिर गाइस तुम लोगों को सबसे बढ़िया गन मैं बता रहा हूँ गाइस S12K। गाइस क्लोज रेंज में बाप है बाप भाई, बहुत ही तगड़ा मारती है गाइस। और भाई लॉन्ग रेंज और मतलब मीडियम रेंज के लिए मैं सजेस्ट करूँगा तुम लोगों को M4 या स्कारल गाइस, या फिर स्नाइपर भी यूज़ कर सकते हो तुम लोग, लेकिन यार M4 या स्कारल यूज़ करो वो बेस्ट है। क्योंकि गाइस देखो क्लोज रेंज में मीडियम और लॉन्ग रेंज में ना भाई ये गन बहुत ही ज़्यादा तबाही मचा देती है। तो गाइस ये हो गई बात अभी गन की। तो गाइस अब आती है टिप नंबर 6 जो कि भाई बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। गाइस तुम लोगों को अब मैं एक ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स बताने वाला हूँ जो कि बहुत कम लोग भाई बताते हैं,
लेकिन यार मैं तुम लोगों को बता दे रहा हूँ गाइस, तुम लोगों को क्या करना है, अपने पास कम से कम 5 स्मोक रखना है और 3 से 4 ग्रेनेड, क्योंकि गाइस देखो अब इंटेंस फाइट होगी, सभी लोग ग्रेनेड और स्मोक का यूज़ करते हैं। तो गाइस तुम लोगों को भी यही करना है, ग्रेनेड और स्मोक का एकदम प्रॉपरली यूज़ करना है। अगर तुम लोग कहीं से रोटेट कर रहे हो या फिर मतलब कोई तुम लोग को स्पॉट कर लिया, तो तुम लोगों को स्मोक का यूज़ करना है। ये नहीं कि गाइस स्मोक तुम लोग बचा के अक्षना शो पीस में रखे हो, लेकिन यार तुम लोग को इसको यूज़ करना है, बहुत ही ज़्यादा काम आता है। अब बात कर ले ग्रेनेड की गाइस, ग्रेनेड बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होता है, क्योंकि गाइस देखो अगर बंदे मतलब कंपाउंड होल करके बैठे हो, अगर तुम लोग ग्रेनेड मारते हो तो भाई वो नॉक नहीं होते, लेकिन गाइस अगर वो नॉक नहीं होते बाय चांस, तो गाइस उनके ऊपर चांस है कि वो डैमेज बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, जिसकी वजह से तुम लोग अगर रश करते हो तो तुम लोग को उसका बेनिफिट ज़्यादा हो जाता है। तो गाइस ये थी कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स कॉन्करर रिंग पुशिंग के लिए। गाइस अगर वीडियो पसंद आएगी तो डू लाइक कॉमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं गाइस आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में।